दोस्तों, मेष राशि वालों का कैसा रहेगा यह पूरा साल? आपका व्यवसाय कैसा रहेगा? धन संपत्ति के बारे में क्या लिखा है? घर परिवार कैसा रहेगा? यात्रा तबादला में क्या लिखा है? परीक्षा प्रतियोगिता के बारे में क्या कहा गया है? स्वास्थ्य को लेकर क्या कहा गया है? आपको क्या धार्मिक उपाय करना है? यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वर्ष मेष राशि वालों का कारोबार एवं लाभ दोनों बढ़ेगा। ग्रहों का प्रभाव आर्थिक समृद्धि बढ़ाएगा। व्यवसाय किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग विशेष सफलता दिलाएगा। अप्रैल से जून के बीच पदोन्नति के संकेत हैं। शेयर बाजार से अक्टूबर नवंबर में पिछली हानि घटेगी। आपकी तकनीकी क्षमता से ही व्यापार में लाभ होगा और कारोबार के उतार चढ़ाव होते हुए भी समृद्धि बनी रहेगी। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो यह वर्ष आपको आगे बढ़ने से रोकने वालों को सबक सिखाएगा और आप इस क्षेत्र में मनमाफिक स्थान प्राप्त करने में कड़ी मेहनत और चाणक्य नीति से ही सफलता प्राप्त कर पाएंगे। धन संपत्ति। इस वर्ष भूमि भवन नई का मशीनरी प्राप्ति के संकेत हैं। भूमि एवं शेयर में निवेश से लाभ मिल सकता है। घर परिवार परिवार में मांगलिक कार्य होने एवं संतानादि के लिए समृद्धि कारक समय अप्रैल से जून तक रहेगा। आधुनिक घरेलू उपकरणों की खरीदी इस वर्ष होगी। यात्रा तबादला स्थानांतरण की अनिश्चितता बनेगी। जून के बाद धार्मिक यात्रा की संभावना है। इच्छित स्थान में कार्यक्षेत्र का बदलाव होगा। परीक्षा प्रतियोगिता। प्रतियोगी परीक्षा में कठिन परिश्रम के बाद ही विशेष उपलब्धि मिलेगी। स्वास्थ्य, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, उदर विकार, जोड़ों का दर्द परेशानी पैदा कर सकता है। धार्मिक उपाय। गणपति, सूर्य उपासना एवं वृक्षारोपण विशेष लाभप्रद रहेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।